एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क पार के अंदर इस शीट में आपको एक फॉर्मूला करवाया था कंजर्वेटिव फोर्सेस का. क्या फॉर्मूला था? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये हमने केस किया था. और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव. और कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटी. आज की डेट में सिर्फ आपको एक ही फोर्स आती है ग्रेविटी, जो कि कंजर्वेटिव है, और इसमें ये फॉर्मूला लगता है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि गिवन कंजर्वेटिव फोर्स में यू की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स. और अगला क्वेश्चन है गिवन फोर्स इज इक्वल टू माइनस 4x, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. लो ये दोनों क्वेश्चंस करना. और फॉर्मूला यूज बता देता हूं. F इज इक्वल टू क्या? माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो इसमें फर्स्ट तो इजी है, ये वाली तो इसमें f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे? माइनस du बाय dx. तो f इज इक्वल टू माइनस d बाय dx ऑफ u कितना है? माइनस 4x. तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, और dx बाई dx क्या होता है? 1/4 कांस्टेंट आंसर आ गया. डन, कोई डाउट इसमें? माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कांस्टेंट आ गया, dx बाई dx 1, डन. इसका आंसर क्या आया? माइनस 2x स्क्वायर. अच्छा, क्या किया? इंटीग्रेशन. कैसे? क्योंकि f का फॉर्मूला माइनस du बाई dx, इस बार आपको क्या निकालना है? यू. तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप डी यू को एक तरफ रखो और बाकी टर्म्स एक तरफ रखो. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो स्मॉल डी यू आ गया, टोटल डी यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन. तो डी यू इज इक्वल टू माइनस, एफ की जगह क्या पुट करें? माइनस 4x इंटू dx. तो यहां से क्या आएगा? डी यू इज इक्वल टू 4x dx. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर आप इंटीग्रेशन करें. इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? दोनों तरफ की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ du 4 इंटू x इंटू dx. तो 1 du की इंटीग्रेशन u, और x की इंटीग्रेशन x² / 2. ये कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 2x². कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन में f गिवन है और u निकालना है तो इंटीग्रेशन, u गिवन है f निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसमें क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ऐसा आएगा. नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें इसके ऊपर प्लीज, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये स्कूल लेवल का नहीं है ये, तो कंपटीशन का क्वेश्चन मिलेगा इसमें. तो फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब है. फोर्स के ब्रैकेट में हम यहाँ एक्स क्यों लिखते हैं? इसका मतलब क्या होता है? एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर समझ में आ रहा है? आपको क्या निकालना है? यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि यू एक्स की फॉर्म में निकाला जाए. तो आपको फोर्स पता है और यू निकालना है, तो फॉर्मूला लिखें एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ की वैल्यू को पुट करें, माइनस से ओपन करें, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस. तो आपके पास ये डी यू की वैल्यू आ गई. दोनों तरफ इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेशन में याद है
इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म डीएक्स। तो ये क्या टर्म है ए, ये क्या टर्म है के, कॉन्स्टेंट आ गया। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स, फोर बाई फोर आंसर। तो कैसे आपको आंसर निकालना है समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी नीट और मेंस में, आती है इसके ऊपर प्रॉब्लम। तो समझ में आ रहा है क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आपका सीधा आंसर आएगा। राइट, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन तब करेंगे जब आपके ऑब्जेक्टिव शीट में आएगा, अभी नहीं करेंगे। अब सपोज करो क्वेश्चन है कि यू की वैल्यू सपोज मैंने आपको दी 4x, राइट, और मैंने आपसे पूछा फोर्स की वैल्यू बताओ, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो? F इज इक्वल टू क्या? माइनस डी यू बाय डी एक्स। कोई डाउट इसमें? राइट, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर U की वैल्यू में चेंज कर दूं 4y कर दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डी यू बाय डी वाई। और अगर एनर्जी की वैल्यू में 4z कर दूं तो फोर्स की वैल्यू में क्या आएगा? माइनस डी यू बाय डी जेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैं एनर्जी आपको दूं जिसके अंदर एक्स भी आए, वाई भी आए और जेड भी आए, फिर क्या फॉर्मूला लगाएं? पॉइंट फॉर्म नहीं, ऐसे नहीं होता। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसी इंटीग्रेशन होती है? या मैंने कहा अगर ये एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड है। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने यू का फॉर्मूला दिया, ये दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों चीजें आ रही हैं। अब मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? तो झगड़ा हो गया, एक्स लूं कि वाई लूं कि जेड लूं। तो पहले तो उनका झगड़ा खत्म किया, आर ले लिया। आपको के चौथा वेरिएबल आर तो है ही नहीं इसमें, राइट? तो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये फॉर्मूले का मतलब है कि यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका एक तोड़ है हमारे पास। और क्या है? फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना हो और यू एक्स वाई जेड तीनों में गिवन हो, फिर आपने ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल के याद करना है। माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, डी यू बाई डी वाई जे कैप, डी यू बाई डी जेड के कैप। अब आप ये कहेंगे कि मेरे को ऐसा क्या हो गया, अभी तक जब से पढ़ा रहे हैं डी तो मैं नॉर्मल डी ही लिखता आया हूं, आज मैंने डी का सिंबल कैसे चेंज कर दिया? स्टाइल है, आज से डी ऐसा लगेगा? नहीं, इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, पर इसका नाम क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको के फिर हमने क्या किया था? हमने कंप्लीट डेरिवेटिव किया था, फुल डेरिवेटिव किया था, ये पार्शियल है। तो पहले मैं दो मिनट में इनके बीच में डिफरेंस बताता हूं आपको, क्या डिफरेंस है फुल डेरिवेटिव में एंड पार्शियल डेरिवेटिव में, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं। तो सपोज करो आपके पास लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फुल डेरिवेटिव, तभी तो मैंने सिंबल डी लगाया। तो रूल है आप इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो y स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? y का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? यही रूल था। अच्छा, अब अगर मैं सेम क्वेश्चन करूं पार्शियल डेरिवेटिव में, पार्शियल का ये सिंबल है वाई स्क्वायर एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है कि क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो बस एक्स वेरिएबल है, इसके अलावा जो कुछ दिख रहा है आपको वो सब कॉन्स्टेंट है। तो मतलब कि ये इसको वेरिएबल मानता ही नहीं है, ये इसको क्या मान लेता है? कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाएंगे तो आपके पास सीधा इसका आंसर क्या आएगा? उल्टा ये ज्यादा आसान है, ये तो मुश्किल था u इंटू v लगाओ, उसमें तो टेंशन ही नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की टर्म अंदर है, बाकी टर्म्स बाहर है, सिंपल। ठीक, जैसे आपके पास क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, मान लो dy ऑफ x
प्लस वाई प्लस जेड, रूल वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म। तो इसकी डिफरेंशिएशन वन, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि पार्शियल रिस्पेक्ट टू वाई है, तो ये एक्स को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट, इसका आंसर भी जीरो, क्योंकि वो जेड को कॉन्स्टेंट मान लेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे काम करेगा, ठीक है यहां तक। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने क्वेश्चन पर चले, हमारे पास u का ये फॉर्मूला गिवन है जिसमें x भी है y भी z भी, और अगर तीनों चीज़ें आती हैं तो फोर्स वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस, फॉर्मूला याद करना है, डी यू बाई डी एक्स भी आएगा, डी यू बाई डी वाई भी आएगा, डी यू बाई डी जेड भी आएगा, लेकिन पार्शियल आएगा। तो आपने क्या करना है, माइनस u की जगह पूरी u की वैल्यू, यहाँ पर u की वैल्यू और यहाँ पर भी u की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक क्लियर है, u पुट कर दिया, राइट, करेंट डिफ्रेंसिएशन। तो पार्शियल में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, के तो कांस्टेंट ही है। तो इधर देखें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, पीछे आई कैप, लेकिन वाई स्क्वायर को ये क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स, ऐसे ही ये एक्स के साथ डिफरेंशिएशन है, जेड को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स को ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो एक्स को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट, जीरो, ये जेड को क्या मान लेगा, कॉन्स्टेंट, और ये क्या देगा, टू वाई। अब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जेड, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो ये क्या आएगा, टू जेड, आंसर टू जेड, टू वाई, टू एक्स, सॉल्व करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पार्शियल कैसे काम करेगा। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि ये ऐसे क्वेश्चन अब पार्शियल भी करने पड़ेंगे फुल के साथ, या हमें कैसे पता लगेगा पार्शियल लगेगा या फुल लगेगा। ये क्वेश्चन आज यूज हो रहा है, एक बार और यूज होगा प्लस टू में, बस दो ही बार, दो ही दिन यूज होगा दो साल में, बस दो ही क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं होगा, स्टैंडर्ड है ये। क्यों, एक बार ग्रेविटी में, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, और प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। सेम एग्जाम्पल दूंगा ये कहते हुए कि देखा हमने प्लस वन में किया था, बस इतना ही है, आ जाता है कॉम्पिटिशन में, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, के, हाँ के भी आएगा यहाँ पर, आएगा के भी आएगा, यहाँ करेक्शन है, के भी आएगा, ठीक है, के आएगा, के भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ क्वेश्चन पाँच साल में, छः साल में एक आध बार शायद देखने को मिलेगा आपको, बहुत रेयर, रेयर, रेयरेस्ट, सच बताऊँ तो, मतलब कह नहीं सकता, बट चलो कर लिया तो ठीक हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ना, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, प्रॉपर लिख लो, फॉर एनसीईआरटी लिख लो, फॉर एनसीईआरटी ये रहा, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़े। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है, इज मूविंग हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second। तो ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड कितनी है, 2 meters per second, एंटर्स अ रफ पैच
फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 मीटर टू 2.01 मीटर. तो ये रफ पैच में एंटर करता है, ये रहा रफ पैच. रफ पैच का मतलब पहले फ्रिक्शन नहीं थी, अब फ्रिक्शन भी आ गई. रफ पैच का मतलब फ्रिक्शन है. और कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू, ये मान लो x एक्सिस है, कहाँ से कहाँ तक, 0.10 मीटर से लेके x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक रफ पैच है. ठीक हो गया यहाँ तक, डायग्राम बना सकते हो साथ साथ चाहे. ये रफ पैच है और इस रफ पैच में क्या ऐड कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स. इस रिटार्डिंग फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स. रिटार्डिंग फ्रिक्शन फोर्स है, रफ पैच है तो फ्रिक्शन ऐड करी, तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन काम कर रही है. आगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस के अपॉन एक्स है और के की वैल्यू कितनी है 0.5, तो मैं से लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस 0.5 बाय एक्स है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, माइनस 0.5 बाय एक्स है. क्लियर है? तो आपको क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मली हम जब कर जितना हमने किया उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होती है ना, वो तो चेंज नहीं होती, पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है चेंज हो रही है. कैसे, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है. जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर ही अंदर चेंज हो रही है. तो यहां पर वेरिएबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रही है एक्स के साथ, सरफेस की फ्रिक्शन चेंज हो रही है. कैसे हो रही है, वो हमारी हेडेक नहीं है क्यों चेंज हो रही है, हो रही है बस. ठीक हो गया. और क्या पता ये फ्रिक्शन है भी कि नहीं, रिटार्डिंग फोर्स है. क्या पता मैंने फोर्स लगा रखी हो, मैं क्या नहीं सकता. रफ पैच है तो फ्रिक्शन ही मान के चलेंगे, और हो सकता है सरफेस की रफनेस चेंज होती हो. कह रहे अगर एक्स लेस देन 0.1 है, ये लेस देन 0.1 है, 0.1 से कम, तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो. और एक्स अगर 2.01 से बड़ा है वहां भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो. तो अगर एक्स की वैल्यू 0.1 से कम है या 2.01 से ज्यादा है तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है. तो आपको क्या निकालना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस द पैच. वो एंटर करता है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, जैसे ही पैच क्रॉस करेगा आपको क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी. बस एक ही इसका आंसर दो, जैसे ही क्रॉस करेगा वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी. क्या बात है, मैं फ्रिक्शन बिछा देता हूं, आप फेंको एक ब्लॉक को 2 के साथ और आपकी वेलोसिटी 4 और 10 हो जाएगी. फ्रिक्शन इंक्रीजेज स्पीड ऑफ द बॉडी, नहीं फिजिक्स है भाई. कमी होगी और क्या होगी, फ्रिक्शन तो आपकी इसको स्लो डाउन नहीं करेगा तो कम हो जाएगी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी होगी ये आपको निकालना है. जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आपके माइंड में क्या आ रहा है, मैं स्टार्ट कैसे करूं? नहीं, उससे पहले भी कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, क्या आपको माइंड में आ रहा है देयर इज सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जैसे प्लैंक के अंदर होता है वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो गई, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना है, ये सोच पा रहे हो? बात समझ में आ रही है? दो चीज़ें आ सकती हैं आपके माइंड में, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होऊंगा तो दो चीज़ें आ सकती हैं. पहली, या तो मेरे माइंड में आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, यू वी गिवन है, या मेरे माइंड में आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो मैं मोशन की बजाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना ज़्यादा पसंद करूंगा, कि मोशन तो अवॉइड करता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जल्दी आंसर देगा, राइट? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन क्या कर रहा है बॉडी के ऊपर, वर्क डन. देखो जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, जूल की बात कर रहा हूं, तो आप भी एक्सप्लेनेशन जूल में ही दें. अब ये ना कहें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जूल में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने इतने न्यूटन काम किया. भाई जूल और न्यूटन से मैं क्या कंपैरिजन करूंगा, इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? जूल की इक्वेशन जूल से बनेगी. तो क्या बोलूंगा कि देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों हुई, बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ने काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया, जैसे प्लैंक में करते हैं सेम. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो लगाएं, तो इसके अंदर लगा लो, ये देखो, ये देखो, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो बोलते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, अगर ब्लॉक की स्पीड 2 है और मैं ब्लॉक की स्पीड की डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो स्पीड बढ़ जाएगी. हम बोलते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन.
अब यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स है तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो क्या किया मैंने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आर का मतलब यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? आगे अब वर्क डन रिटार्डिंग फोर्स क्या है? रिटार्डिंग फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। तो अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करूं उसे आंसर नहीं आएगा, मुझे इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर वेरिएबल है। और हमने क्या डिस्कस किया था? अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको क्या करनी पड़ेगी वर्क डन निकालने के लिए? इंटीग्रेशन। याद आ रहा है यहां तक? और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर कांस्टेंट होता फिर मैं इंटीग्रेशन यूज ना करता, फिर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देता, पर क्योंकि वेरिएबल है तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट एक्स की क्या, 0.1 से लेकर 2.01 तक। कोई डाउट इसमें? फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स हाँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को राइट साइड पे लेके कोई फर्क नहीं है, तो रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है? माइनस के अपॉन एक्स। क्लियर है यहां तक? जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो कितनी है? माइनस के बाय एक्स। के की वैल्यू आपको 0.5 गिवन है क्वेश्चन में, तो मास आपको 1 पता है, इनिशियल वेलोसिटी 2 पता है। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन मैथ्स में क्या होती है? लॉग ऑफ एक्स। 1 बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। कहां से कहां तक? 0.1 से 2.01। एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म। डिवाइड करेंगे आंसर, ठीक? तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो आपको आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको लॉग ऑफ 20 नहीं आता, पर चलो अगर लॉग 20 की वैल्यू गिवन हो तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक? वैसे ऐसा लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा नहीं, हो सकता है वो आपको 1 बाय एक्स दे ही ना, हो सकता है एक्स डी एक्स ही दे दे ताकि फटाफट आंसर आ जाए, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर वेलोसिटी निकालनी है फाइनल तो जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। हाँ ठीक है, ये बता देता हूँ। लॉग का बेस नेचुरल क्या होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं? ई। और मैथ्स का रूल है अगर लॉग टू द बेस ई को 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, अंडरलाइन कर लो, ऐसे स्पेशल टर्म है। तो ये रूल है मैथ्स का, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई का बेस किस में बन जाता है? 10 के बेस। ये मैथ्स के टीचर से खाएंगे आपको, वैसे करवा दिया। अच्छा, तो मैथ्स मैथमेटिक्स में आएगा, मेडिकल में नहीं चाहिए, मेडिकल में बस याद कर लें 2.303 सफिशिएंट है, ठीक है यहाँ तक? ऐसा क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि जो मार्केट में लॉग टेबल मिलते हैं ना उसकी वैल्यू देखी जाती है, तो लॉग टू द बेस 10 मिलते हैं इसलिए, ठीक है? और वैसे एक और भी रूल है रूल ये है कि जैसे अगर लॉग ऑफ 20 है, अप्रोक्सीमेट 20 टू द बेस 10, यही है, क्लियर है यहां तक? ई बेस को किस में बना लिया मैंने? 10 में बना लिया। लॉग ऑफ 20 को लिखते हैं 2 into 10, राइट? क्लियर है 20 को 2 into 10। लॉग की प्रॉपर्टी है, मैथ्स के टीचर सिखाते हैं, वैसे मैंने भी इंटीग्रेशन में सिखाई थी, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10। कोई डाउट इसमें? सिखाया था ना, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब लॉग 2 की वैल्यू पूरी फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल लॉग पे आएगा ना, गारंटेड है लॉग 2 पे ही आता है, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स, 2 ही आएगा। कोई और वैल्यू के लिए लॉग टेबल देखना पड़ता है। 2 की वैल्यू याद करनी होती है 0.3010 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2 की, ये याद ही होता है स्टूडेंट। अगर अभी याद नहीं होगा आपको तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा फिजिक्स में, उसमें तो रोज यूज होगा ये, तो आपको याद ही हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले याद करवा देंगे आपको, लॉग 2 इज 0.3010। और प्लस लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होता है? 1। लॉग टेबल की जरूरत नहीं, आंसर ऐड कर लो, 1 प्लस 0.3010 आंसर है। लॉग टेबल कहाँ चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज ही आंसर आ गया, ठीक है? पर चलो कोई बात नहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लॉग के ऊपर तो आपको एनसीईआरटी में पूछा नहीं जाता, बट हाँ ये मैथ्स के टीचर आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को सिखा, नॉन मेडिकल वाले को सिखा देंगे, मेडिकल में तो चाहिए नहीं होता।
समझ में आ रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप कैलकुलेशन को छोड़ो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को तो यार करना बनता है आपको, अब प्लैंक वाले बहुत क्वेश्चन हो गए, इसको करें। नया क्वेश्चन है लेकिन ये पुराना नहीं है, एन निकालना है, करो जरा। देखो इसमें ना एक चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन है, बनाने वाले ने बड़ी चलाकी से काम किया, वो कहता है बुलेट लूजेस वन एनथ ऑफ द वेलोसिटी पासिंग थ्रू वन प्लैंक। पहली गलती जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि ये रहा आपका एक प्लैंक, एक प्लैंक वी वेलोसिटी से एंटर करेगा बुलेट, और बाहर कितनी वेलोसिटी से निकालेगा वी बाय एन, वो बोलेगा वन एन तो ऑफ द वेलोसिटी लूज कर गया। भाई वो लूज कर गया, उसने ये नहीं कहा इतनी वेलोसिटी से निकला। तो एक कॉमन मिस्टेक है, जल्दी में वी और वी बाई एन से स्टूडेंट क्वेश्चन करके आता है, सुनने में लगता है ना वन एनथ कर दी वेलोसिटी, नहीं आपको क्या करना है इसमें, वी से एंटर हुआ वी बाई एन तो लूज हो गई, तो बची कितनी वी माइनस वी बाई एन। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, तो यहां से वी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है। अब वो ये कह रहा है अगले पार्ट में कि बताओ अगर दूसरे पार्ट में मैं कितनी वेलोसिटी से, हाँ हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। वो कह रहा है ठीक है वी वेलोसिटी से एंटर करवाता हूं, अगर एक प्लैंक यूज करता हूं तो उतनी वेलोसिटी से बुलेट बाहर आता है,
मैं ऐसे कितने प्लैंक्स लगाऊं, कितने नंबर, एक प्लैंक, दो प्लैंक, तीन प्लैंक, चार प्लैंक, बोलो कितने प्लैंक्स लगाऊं ताकि ये बुलेट रुक जाए। तो मान लो मैंने ऐसे कितने प्लैंक्स लगाए, कितने प्लैंक्स लगाए, कितने, नॉर्मली स्टूडेंट एन ही बोलता है, मैंने एन प्लैंक्स लगाए। अब वो स्टूडेंट गलती से क्या करेगा, कितने प्लैंक्स लगाएगा, एन, और ये भी क्या चल रहा है, एन, ये नंबर ऑफ प्लैंक्स थोड़े ना, तो वो क्या करेगा जल्दबाजी में एन और एन, और कैलकुलेशन करते हुए एन 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 काटना शुरू कर देगा, जबकि वो एन कुछ और है, ये एन कुछ और है। बात समझ में आ रही है? तो पहला रूल कि आपने ये वाला एन चेंज करना है, तो अगर ये लेंथ एक्स है एक प्लैंक की, तो टोटल लेंथ इज एन इंटू एक्स, वेयर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, कैपिटल एन इंटू एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एक प्लैंक अगर एक्स दूर लंबाई का है तो कितने प्लैंक्स हैं, कैपिटल एन प्लैंक्स हैं, तो टोटल लंबाई क्या होगी बुलेट की रुकते हुए, एन इंटू एक्स। कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया यहां तक? बाकी तो आपको आता है प्लैंक से क्वेश्चन कैसे करते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टू एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पर एक प्लैंक था तो एक्स आएगा। फिर केस नंबर टू में इक्वेशन क्या बनेगी, केस नंबर टू में इक्वेशन बनेगी जीरो माइनस, क्योंकि एनर्जी जीरो हो जाएगी, माइनस कितना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ इंटू, बोलो कितना, एन इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर टू क्लियर है? तो फिर क्लियर है तो प्लीज डिवाइड करें और कैपिटल एन निकालें, करो सिंप्लीफाई करने दो, करो ट्राई। आ गया आंसर? कितने लोग आंसर आ गया? ये जैसे इसमें गिवन, ये मैंने किया हुआ है, देखो ये मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और माइनस एफ इंटू एक्स, और दूसरी इक्वेशन में माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ इंटू एन इंटू एक्स, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ वन बाई एन। तो यहाँ से माइनस चल रहा है, माइनस राइट साइड पर चला गया, माइनस साइन को इधर एडजस्ट करेंगे तो ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म पीछे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्व करके कैपिटल एन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
तो ऑप्शन देख के करना है कहां तक सिंप्लीफाई करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक्स में। तो मैं ऐसा नहीं है कि आप छोड़ तो यहां भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही कितना सिंप्लीफाई करना है वो वही डिसाइड होगा, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, आपसे होगा नहीं। क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल एफ वेक्टर, ये गिवन है, ठीक है? तो आज ही किसी ने डाउट भी पूछा था टीसी पांडे में से, पता नहीं आपने पूछा था, आपके का क्वेश्चन है हाँ। तो फोर्स की ये वैल्यू गिवन है, तो बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो बुक सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, कह रहा है एक पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है और वर्क डन क्या है, जीरो। व्हेन पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग लाइन, कह रहे पार्टिकल को ये वर्क डन जीरो कब है, जब मैं उस पार्टिकल को मूव करवाता हूं इस लाइन की इक्वेशन के अलोंग। जैसे मैथ्स में लाइन की इक्वेशन होती है ना, सुना हुआ आप लाइन की इक्वेशंस हैं, तो इसके अलोंग अगर ब्लॉक मूव करता है तो वर्क डन जीरो आता है। आप के बता दो क्या है इसमें। अब आपको ये स्टार्टिंग नहीं समझ में आएगी, मैंने बताया, मैं आपको ये नहीं है कि डीमोरलाइज कर रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया इसको करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज, मैंने जो फोर्स लगाई वो इतनी लगाई, फोर्स को दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, तो ये फोर्स फैक्टर है, और ये एंगल क्या है यहाँ पर थीटा। तो इसकी स्लोप कितनी है या डायरेक्शन क्या है फोर्स की, स्लोप निकाल दें, स्लोप टैन थीटा 3/2, क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो स्लोप की वैल्यू कितनी इसमें, टैन थीटा इज इक्वल टू 3/2, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसको स्लोप बोलते हैं। अब ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन में 3y एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, y 3 से डिवाइड कर दो तो y, ये रहा y। लाइन की इक्वेशन भी आपने सुनी होगी 10th क्लास में या पहले सुनी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सुनी हुई है सबने, नहीं सुनी? किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैथ्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज नोन एज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो लाइन की स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, कंपेयर करके m किसके इक्वल आएगा, माइनस k by 3, तो ये लाइन की क्या आ गई, स्लोप आ गई। तो लाइन की स्लोप क्या आ गई, माइनस k by 3, कोई डाउट इसमें? लाइन की स्लोप आपको क्या देती है, लाइन की डायरेक्शन। फोर्स की स्लोप क्या देती है आपको, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या हुआ, 90, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। क्लियर है? तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो लाइन की स्लोप है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया m1, फोर्स की स्लोप को रिप्रेजेंट कर लिया m2, तो एक स्लोप आ गई m1, एक स्लोप आ गई m2, कोई डाउट इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक? अब मैथ्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाई जाएगी, उसमें मैथ्स के टीचर्स का प्रूफ भी देते हैं। मेडिकल में दिस क्वेश्चन नॉट फॉर मेडिकल, छोड़ दें, सुने मत, नहीं चाहिए। तो नॉन मेडिकल वालों को सिखाया जाएगा कि अगर दो लाइनें हैं या दो डायरेक्शंस हैं, उनकी स्लोप m1 m2 है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा, ये मैथ्स है और रिमेंबर करना पड़ेगा। तो दो डायरेक्शंस में अगर एंगल 90 है तो स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, -1। तो एक स्लोप कितनी है, -k/3, एक स्लोप कितनी है, 3/2, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, k आ जाएगा आंसर, मेडिकल में आएगा नहीं। अब नॉन मेडिकल वाले ये पूछेंगे कि ये तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, मैंने कहा वो क्यों, हमें क्या पता है यार ये बीच में कब कब ऐसा ऐसा यूज करेगा, ये इकलौता क्वेश्चन है बस। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये रोज यूज करेंगे, मुड़ के यूज नहीं करेंगे, बस ये एक बार हमने कर लिया, शायद कभी 2 साल में एक आध बार और यूज हो जाए तो हो जाए, यूज नहीं होता। तो ये क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन गिवन है तो मैंने करवा दिया ताकि डाउट कम से कम हो,
वैसे इसकी एप्लीकेशन कम रहती है क्योंकि वर्क डन जीरो था ना, वर्क डन इस क्वेश्चन में जीरो था। फोर्स वर्क डन जीरो कब करती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90। तो एक फोर्स की स्लोप है, एक डिस्प्लेसमेंट की स्लोप है, एंगल 90। ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन की कैटेगरी है मेरे हिसाब से, रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। ये एक क्वेश्चन है जो आपके नीट मेंस में आया हुआ है और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं है कि कोई चेंज करके आती है, स्टैंडर्ड आपको हर बुक में मिलेगी, नीट और मेंस में मिलेगी। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी अगर पहले कर ना रखी हो ना तो अजीब सी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ कैसे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये गिवन होगा, प्रूव दैट तो मैंने लिखा हुआ है कि सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है वी स्पीड के साथ, मास एम है एंड पावर उसकी पी है, तो प्रूव कर दो उसकी वेलोसिटी इसके इक्वल है। चार ऑप्शंस गिवन होंगी ऐसी आपको, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, एक वी दे दिया एक पी दे दिया, कह रहा है कि वी इसके इक्वल प्रूव कर दो। मिनिमम गिवन है आपके न्यूमेरिकल में, मिनिमम, ये सबसे मुश्किल कैटेगरी का प्रॉब्लम है जब कुछ भी ना गिवन हो, एक लाइन का क्वेश्चन हो और आंसर इस फॉर्म में गिवन हो। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो पता होता है लोगों को, क्वेश्चन में पावर इन्वॉल्व है एंड वेलोसिटी इन्वॉल्व है। तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हम नहीं है। फोर्स क्या है, डीपी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट बाहर आ गया, डीवी बाई डीटी, राइट। मैं डीवी बाई डीटी को ए भी लिख सकता हूं पर मैं लिखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को ए निकालना ही नहीं, ऑप्शन में क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, वी डीवी वाली टर्म को या इस टर्म को एक तरफ, वी डीवी बाई डीटी और बाकी टर्म्स को एक तरफ, कोई डाउट इसमें, तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है यहां तक। इस केस में लेफ्ट साइड में अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें टाइम चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, टाइम तो चाहिए ही नहीं, तो टाइम की लिमिट एक्स, टाइम की डीटी हटा के मुझे डीएक्स चाहिए। तो हमने कई बार ऐसा किया, लास्ट टाइम भी किया, अब तो आपको समझ भी आ रहा होगा, डीटी को डीएक्स में कन्वर्ट करना, डीएक्स से मल्टीप्लाई डीएक्स से डिवाइड, तो काफी बार कर लिया। तो डीएक्स और डीटी क्या होता है, वी, और इस डीएक्स को राइट साइड पे ले गया, तो ये टर्म क्लियर है, v इंटू वी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डी वी पी बाई एम डी एक्स। अगर से इंटीग्रेट करें, वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन वी क्यू बाई थ्री पी बाई एम और वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी क्यूब आ गया, यहाँ से v की वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन मार्क करना है। अब जिस स्टूडेंट ने पहले कर रखा है देखो तो वो तो ट्राई कर सकता है, जिसने कर नहीं रखा, उसकी स्टार्टिंग ही नहीं पता, तो वो कैसे ट्राई करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पर हाँ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कोई ऐसा एक्सेप्शन क्वेश्चन नहीं है कि चेंज कर करके आ रहा है, तो जब भी आता है इसी फॉर्म में आता है, तो आपको हर बुक में पुराने पेपर में मिलेगा। तो आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कई लोगों को तो फॉर्मूला भी याद होता है, कई लोग तो इतने वो प्रैक्टिस कर लेते हैं पता ही होता है कि 1/3 ये आंसर आएगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसमें, ठीक है यहाँ तक। ये नहीं करना, ये क्वेश्चन गलत है, इसको क्रॉस कर दो प्लीज़, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ऑब्जेक्टिव शीट में भी प्रॉब्लम है। ये शीट नंबर कौन सी थी, 54। देखो इस प्रॉब्लम में 54th शीट में ये बढ़िया प्रॉब्लम है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, ठीक, बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एनसीईआरटी या कहीं, बेसिक प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है मेंस नीट हर जगह ही कहीं ना कहीं मिलेगी आपको, और एनसीईआरटी के लिए भी ठीक है ये, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाएं तो आप एक बॉल लें, बॉल्स पड़ी होती हैं, उसको काफ़ी लोग ऐसा करते हैं पूल के नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, और क्या जबरदस्त इतनी सी बॉल होती है, बहुत दम लग जाता है उसको नीचे लेके जाने में, और जितना नीचे लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ती है, और कई बार तो बॉल हाथ से छूट जाती है, इतनी फोर्स पानी लगाता है, और बॉल क्या होती है जब हाथ से छूटती है तो पानी के ऊपर और कई बार तो बहुत ऊपर हवा में जम करती है, ऐसा होता है। तो आपने आर्कमिडीज सुना होगा, तो आपको ये पढ़ाया जाता होगा कि कोई भी बॉडी
कब डूबती है? जब बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। कब तैरती है? जब पानी की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऊपर उछालती है बॉल को, राइट? इस केस में बॉडी की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है। तो सोचो लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है, तो आप इस बॉल को जब पानी के नीचे लेके जाएंगे 3 गुना ज़्यादा उछाल के फेंकेगी हवा में बॉल को। और यही क्वेश्चन है कि आप उस बॉल को कितना पानी के नीचे ले गए, छोटा h गिवन है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या थी इनिशियल? 0 गिवन है, आपने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा ये बॉल ऊपर आई, पानी की सरफेस को क्रॉस करती हुई हवा में आ गई और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। हवा में वेलोसिटी 0। क्वेश्चन है हवा में उसने कितनी हाइट कवर की ये बताओ, कैपिटल एच निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ गई, कैपिटल एच निकालना है। तो लिक्विड के अंदर आपको हाइट गिवन है और हवा में आपको हाइट निकालनी है कितनी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्लियर है? तो पूल में खेलते हुए सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी ये प्रॉब्लम आएगी, बस पूल में गए मज़ा किया आ गए, ठीक। अब देखो जब भी आप जाओगे अब आपको याद आएगा कि हाँ यार इसमें कैसे अपथ्रस्ट लगा, अपथ्रस्ट याद आया करेगा। अब आपको देखो कैसे लगता है, दिखाता हूँ। अब लॉजिक क्वेश्चन का क्या है ये समझो। लॉजिक क्वेश्चन का ये है, लॉजिक ये है कि पानी की सरफेस है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये बॉल है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक है, और हाइट कितनी है? ये स्मॉल h है, ये भी क्लियर है यहाँ तक, स्मॉल h है। ये बॉडी ऊपर 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 आएगी, पानी की सरफेस पे आएगी तो कोई वेलोसिटी अटेन करेगी भी, राइट? इस दौरान इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? जी की माइनस जी, माइनस जी की जी, या कुछ भी नहीं दोनों में से। हम जी और माइनस जी कब लगाते हैं? जब हम पानी के अंदर डूब जाते हैं, समुद्र में लगाते हैं, नदी में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? हवा में लगाते हैं भाई। ये यहां पे लगेगी फ्री फॉल हवा में, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर आप फ्री फॉल करोगे, समुद्र में ऐसे डुबकी लगाओगे तो आप उतनी स्पीड से नीचे गिरोगे जब आप एरोप्लेन से गिरते हो। कैसे भाई? जब प्लेन से जंप मारोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जबरदस्त स्पीड होगी। पानी के अंदर थोड़ा स्पीड होगी आपकी इतनी, तो जी कैसे सोच सकते हो? हाँ मैंने पूछा ज़रूर, पर आपको बोलना चाहिए था कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो पानी के अंदर एक्सेलरेशन कुछ और होगी, वो क्या होगी देखते हैं। तो अगर मैं वो एक्सेलरेशन बता दूं आपको, बता दी, तो आप मुझे क्या बता सकते हो यहाँ से? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2ah, तो वी आ जाएगा। और अगर आपको ये वी पता लग गया तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0, और ये क्या है? h। तो मैं यहाँ लगा लूँगा 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 2 × 2। बोलो एक्सेलरेशन क्या पुट करें भाई? हवा में है फ्री फॉल अगेंस्ट ग्रेविटी, माइनस जी, हवा में तो माइनस जी लगेगा, पानी में थोड़ा लगेगा। तो अगर मुझे कैपिटल एच निकालना है तो आपको क्या मुझे बताना पड़ेगा? वी। और अगर मुझे वी बताना है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ए। तो सारी गेम क्या है? एक ही गेम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन बता दूँ, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब एक्सेलरेशन बताने के लिए सपोज करो ये लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में ये एक बॉल है, ठीक है। बॉल के ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक इसका वेट, इसका वेट एक्ट कर रहा है, और दूसरी कौन इसको उठा के ऊपर फेंक रही है? बॉयंसी, या फिर ऊपर की फोर्स, ऊपर को अप, फोर्स को थ्रस्ट। तो इसका पूरा नाम अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट का सिंबल भी यू होता है, सही है। तो नीचे अगर वेट बड़ा हो गया, अपथ्रस्ट छोटा है फिर तो डूबी डूबी, अपथ्रस्ट बड़ा है वेट छोटा है फिर तो ऊपर आएगी आएगी, और ऑब्वियसली बॉल ऊपर आ रही है तो अपथ्रस्ट बड़ा है वेट छोटा है, कोई डाउट इसमें? तो अपथ्रस्ट की वैल्यू इसमें बड़ी और वेट इसमें छोटा है,
अच्छा वेट इसका वॉल्यूम अगर v है और डेंसिटी बॉडी की रो है तो वेट क्या होता है mg, मास तो गिवन नहीं, मास क्या है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, v इंटू रो इंटू जी, को डाउट इसमें पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो यहां पर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू v इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है यहां तक, को डाउट इसमें। तो इसमें मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, राइट। अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट की वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी, हम ये लिक्विड के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली यही होता है, लेकिन बस डेंसिटी किसकी यूज करते हैं हमेशा, लिक्विड की। तो वॉल्यूम किसका, बॉडी का, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, बस ये याद रखना है। तो जब बॉडी का वेट निकलेगा तो डेंसिटी बॉडी की, जब अब थ्रस्ट यूज करेंगे तो डेंसिटी लिक्विड की, बस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब थ्रस्ट का मतलब यहां पर v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, थ्री रो इंटू जी, ठीक हो गया यहां तक। अब सिंपल लॉजिक है, ये क्लियर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसमें थ्री रो है, गिवन है, गिवन है थ्री टाइम्स है, क्लियर है यहां तक। तो ऑब्वियसली ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट फोर्स, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, यही होता है ना फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इज वी इंटू थ्री रो इंटू जी माइनस वी इंटू रो इंटू जी अपॉन मास। मास क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू किसका मास है, बॉडी का। तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की। तो मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक, ठीक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, ये बताई मैंने, वीरो 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 कैंसल, तो कितना आ गया 2g। तो एक्सेलरेशन पानी के अंदर कितनी है, 2g। तो लिक्विड के अंदर शुरू करते हैं, लिक्विड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सरफेस के ऊपर वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन 2g, हाइट लिक्विड में छोटा h, सॉल्व करके v स्क्वायर आ गया, ये v आ गया, सरफेस के ऊपर v आ गया। अब बॉल को कहां निकालना है, सरफेस से हवा में, हवा में वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, सरफेस के ऊपर v, हवा में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g और हाइट कितनी, कैपिटल h। तो इस v को यहां से यहां पुट कर दें, आंसर। पॉइंट समझ में आया, कैसे लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़े दिनों में आप इसकी दो, एक दो महीने और रुकें, आपको चीज़ें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कि जब लिक्विड का चैप्टर आएगा इसमें से 25 क्वेश्चन करने हैं कम से कम, ऐसे इसी टाइप के 25, तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप ही, ठीक। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन है U एज अ फंक्शन ऑफ x, करे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है, a बाय x रेज टू पावर 12 माइनस b बाय x की पावर 6। तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, इसमें क्या निकालना है, a और b इसमें कांस्टेंट है, क्या निकालना है, x निकालना है। कब, जब सिस्टम या पार्टिकल किसमें है, इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल छोड़ो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज जीरो। क्या आप यू से एफ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय, तो यू को डिफरेंशिएट करके एफ आएगा ना, एफ को जीरो पुट कर लेना एक्स आएगा, ट्राई कर सकते हो, देखते हैं, इंटीग्रेशन का खेल है सारा। आप पुट करें यू की जगह पूरी की पूरी वैल्यू पुट करें, डिफरेंशिएट करें, फोर्स आएगी, फोर्स को जीरो पुट कर दें, आंसर आएगा। स्टार्ट करें, एनर्जी एफ फिजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स में यू फॉर एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स,
देखो इसमें क्या करना है, यू को पुट कर दिया, पहला स्टेप क्लियर है, करो ट्राई, करना चाहते हो करो ट्राई, यू को पुट करो, इसे ओपन करो, डिफ्रेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो पुट करो। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में माइनस ए कॉन्स्टेंट है और x की पावर 12 डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाओ x की पावर माइनस 12, और b माइनस 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 प्लस हो जाएगा, b कॉन्स्टेंट है, x की पावर 6 ऊपर जाएगी, x की पावर माइनस 6। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या था, x की पावर माइनस 12 की डिफ्रेंशिएशन क्या है, x की पावर माइनस 12, ये माइनस 12 नीचे आएगा, x की पावर माइनस 13। तो यहां पर माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 7, क्लियर है। और ये जो फोर्स आई इक्वल टू क्या करना है, जीरो। इस पूरी टर्म को उठा के इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म राइट पे चली गई, राइट पे जाके यहां से एक्स की पावर 13 जब इधर जाएगी तो एक्स की पावर 13 माइनस 7 क्या आएगा, 6। सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स की पावर 6, यहां से एक्स आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इसके ऑप्शन दिखेंगे, पुराने पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, साथ लिख लेना, नहीं आएगा स्कूल में, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। चलो जी, कौन सा चैप्टर आ गया, सर्कुलर मोशन, उसमें तो अब आपको आता ही है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, एक्स एस, तो टी फॉर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ए कॉन्स्टेंट है। तो इसकी बातों से यह पता लग रहा है कि एक्स चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ही हो रही है। क्या निकालना है, फोर्स ऑन दी पार्टिकल। फोर्स सुनते ही माइंड में क्या आता है, सर्कुलर मोशन में फोर्स कौन सी होती है बॉडी के पास, सेंट्रीपिटल होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैंट करती है टुवर्ड्स सेंटर, तो आंसर क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है मुझे ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, वी स्क्वायर, राइट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, m इंटू वी स्क्वायर बाय r। आंसर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या पता कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि इसमें स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि अगर तो यूनिफॉर्म है फिर तो एक ही फोर्स होगी सेंट्रीपिटल, पर अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एक और एक्सेलरेशन रोल प्ले करेगी जिसका नाम है टेंजेंशियल, ऐसे होता था वो तो पता नहीं, ठीक। तो अगर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है वो पता करने के लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी, क्यों, क्योंकि वी टेंजेंशियल है तो एटी भी टेंजेंशियल है। तो मैं काम करता हूं, मैं ये निकाल लेता हूं, अगर तो मेरा आंसर जीरो आ गया फिर मैं कहूंगा एटी नहीं है सिर्फ सेंट्रीपिटल है, पर अगर मेरा आंसर नॉन जीरो आ गया फिर मेरी नेट एक्सेलरेशन क्या मानी जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर और ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, फिर नेट एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स आएगी, तो एक्सेलरेशन फिर चेंज हो जाएगी। तो यानी कि पहला काम क्या चेक करना कि इसमें ये टेंजेंशियल है कि नहीं। एक काम करो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीटी डीटी, कैसे, वी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, टू वी डीवी बाय डीटी, टू ए बाय एम कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन टू एक्स इंटू डीएक्स बाय डीटी, पर डीएक्स बाय डीटी क्या होती है, वी, वी से वी क्या हो गया, कैंसल, ए टी आ गया, जीरो ही नहीं आया क्योंकि डी वी बाई डी टी तो ए टी होता है, अगर जीरो आ जाता तो फिर कहते हैं सिर्फ सेंट्रीपिटल है, पर यहां पर तो ए टी आ गया, तो ए टी आ गया। और ए आर क्या होता है, ए आर मीन सेंट्रीपिटल का रेडियल, एक ही बात है, तो रेडियल एक्सप्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसको आर से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास सेंट्रीपिटल या रेडियल भी आ गया। तो आपके पास अब रेडियल एक्सप्रेशन आ गई, आपके पास अब टेंजेंशियल एक्सप्रेशन आ गई, तो आपके पास अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपके पास ए टी स्क्वायर है, ये आपके पास ए आर स्क्वायर है, तो यहां से टू ए एक्स जो भी है कॉमन आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके नेट आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है, नॉन मेडिकल वालों को तो एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, मेडिकल वालों के लिए लंबा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा आपको, आपको सिंपली वो ये चीज पूछ सकता है
कि किसी भी क्वेश्चन में ए आर भी है, ए टी भी है, और नेट एक्सलेशन क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आता, तो नॉट फॉर मेडिकल लिख सकते हो, नॉट फॉर मेडिकल, पर लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कब ए आर और ए टी लेते हैं। मेडिकल के लिए तो ओके है ये, नॉन मेडिकल के लिए तो ओके है, सॉरी। मेडिकल में तो बड़े क्वेश्चन ही आते हैं ना, मेडिकल का आपको सैंपल दूंगा, मेडिकल तो खुशी हो जाएंगे देख के, तो बिलीव मी आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इतने आसान आते हैं। मतलब मेडिकल वालों की तो एक्यूरेसी 90% आ सकती है, 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं हमसे इस शीट से ही, एनसीईआरटी के बेसिक्स आते हैं उनको। और नॉन मेडिकल वालों को तो देखो लेवल्स बनते हैं, 3 लेवल पेपर आएगा, ईजी, वेरी ईजी, मिड और थोड़ा सा हाई। तो वो तीन उन मतलब 8-10 क्वेश्चन बहुत ईजी आने ही आने हैं, और 8 जो है क्वेश्चन मिड लेवल आने ही आने हैं, और 8 क्वेश्चन ऊपर के आने ही आने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो किस लेवल में जाके आते हो। ठीक, इस क्वेश्चन में एक शीट है या प्लेट है, क्वेश्चन छोड़ो बस एक कॉन्सेप्ट समझो, एक प्लेट है वो ऐसे पड़ी हुई थी, और प्लेट को मैंने पोजीशन चेंज कर दी, प्लेट की पोजीशन मैंने ऐसे कर दी। वो कह रहा है फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, जो प्लेट है उस पर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मास लेंगे कहाँ, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है बोलो, एम जी इंटू कितना, ए बाई टू, क्योंकि हाइट क्या है सेंटर ऑफ मास की, ए बाई टू। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू ए बाई टू। अब नई एनर्जी अगर पोजीशन चेंज कर दें, एम जी इंटू बी बाई टू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल आंसर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ये इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, फ्लोर हॉरिजॉन्टल है। ठीक, गिवन t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ऐसा फील है मोशन का चैप्टर आ गया, ऐसे आते थे ना मोशन में, ऐसे मोशन ही आ गया। t सेम क्वेश्चन है, t आ गया, क्या निकालना है, चेंज कर दिया, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। मोशन में क्या होता था, इसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंट वेलोसिटी निकलती थी। वो क्या कह रहा है, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड। अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है, वर्क डन की वैल्यू मैं कैसे स्टार्ट करूं। वर्क डन की वैल्यू के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरे को याद आ रहा है मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू के लिए पहले मैं एक्स निकालूंगा, फिर डिफरेंशिएट करके वी आएगा, डिफरेंशिएट करके ए आएगा, वहां से कुछ करूंगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन में काम करें, ये इक्वेशन लिखें, रूट एक्स एक तरफ, स्क्वायर करके एक्स आ गया, एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। मोशन यही होता था, ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। पहले 6 सेकेंड में वर्क डन निकालना है, तो आप टाइम को पहले 0 पुट करें, तो 0 पुट करने पे वेलोसिटी कितनी है, -6। फिर आप टाइम को 6 सेकेंड पुट करें, वेलोसिटी कितनी है, +6। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू 6 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है, इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल को। तो मतलब वर्क डन कैलकुलेट करने में जब आपको, अब आपको ये फील आ रहा होगा एक्स गिवन है, किसी तरीके से वी आ जाए, अगर वी की वैल्यू में पता लग जाती है ना, तो समझो वर्क डन आ ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अपने को फिर वर्क डन का एफडीएस का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चेन, आपको चेन नहीं पीछा छोड़ रही यार, कभी चेन ऊपर रख देते हैं, कभी चेन नीचे रख देते हैं, कुछ ऐसा है। चेन के ऊपर अगर आपको थोड़ा और कमांड या और कुछ काम करना है, नॉट फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों को, मेंस नीड तक तो ये कॉन्सेप्ट ओके है, इससे ऊपर चेन नहीं आती उसमें। पर नहीं, कईयों को होता है नहीं सर और चेन के क्वेश्चंस आने चाहिए और एडवांस लेवल तक आना, तो मैं वीडियो मेरे से मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। मैंने इतनी चेन सॉल्व कर रखी हैं, मैं 1.25 घंटा चेन्स के ऊपर ही बोलता जाऊँगा। कभी हेमिस्फीयर लूँगा, हेमिस्फीयर पे चेन रखूँगा, वो नीचे गिरेगी, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होएगी, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछूंगा।
फिर एक टेबल लूँगा, ऐसे चेन गिरते ना टेबल के ऊपर, ऐसे गिर दी तो ढेरी लग जाएगी। जब ढेरी लगेगी वो फोर्स क्या लगाएगी टेबल पे, वो चेंज हो रही होगी, तो नेट फोर्स क्या लगेगी इंटीग्रेशन से, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं वो बताऊँगा। तो चेन का अलग वीडियो है, टोटल ऑप्शनल है, एडवांस की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, मेंस नीट का उसमें शुरू का पोर्शन है, बाद में वो किसी और तरीके पे चलता है। तो ऑप्शनल है, पहले आप अपने नॉर्मल लेवल्स कर लें और जब टाइम लगे तो मेरे से मांग लें, आप वो कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शनल है, मेडिकल देखने की जरूरत नहीं है, मेडिकल वाले कुछ नहीं करेंगे ऐसा। नॉन मेडिकल जो मेंस कर रहे हैं, ओनली मेंस, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, करना है 15 मिनट सुन लेना, लेकिन जो और आगे देखना चाहते हैं थोड़ा टाइम फ्री है जरूर देख लें, क्या दिक्कत है। चेन पहले ये देख लेते हैं, चेन जिसका मास एम है और लेंथ एल है, टेबल पे पड़ी हुई है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी के मैंने, अब हुआ क्या, इस बार चेन नीचे गिर रही है, इस बार चेन नीचे गिर रही है अपने आप ही, यानी कि ये वाला वेट ज़्यादा होगा। तो जब चेन नीचे गिर रही है तो फ्रिक्शन इस पोर्शन पे क्या करता जा रहा है, वर्क डन, ताकि ना गिरे। वो वर्क डन कितना है कि 2L/3 चेन टेबल पे है और L/3 चेन हवा में है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने पोर्शन पे लगेगा, 2L/3 पे, कितना वर्क डन फ्रिक्शन ने लगाया जब ये चेन पूरी तरह नीचे गिर गई, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है, अगर मैं थोड़ा डायग्राम और बेटर बनाऊं, देखो ये टेबल है ठीक, और ये टेबल पे चेन है, और ये जो चेन है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 2L/3, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, अगर मैं यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं तो ऐसा क्यों ना करूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस, नेगेटिव में होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू 2L/3, आंसर, मैं फ्रिक्शन की फोर्स निकाल देता हूं, आंसर आ जाएगा डन। कितने लोग एग्री करते हैं कि हो सकता है, कितने कहते हैं कि नहीं सही नहीं है, और सही क्यों नहीं है ये भी बताना पड़ेगा। तो मूव कर रही है तो उसमें, उससे फिर क्या हुआ, तो उससे क्या होगा, उस नहीं उससे क्या होगा, लेंथ नीचे गिरने से कम हो रही है मानता हूं, उससे चेंज क्या होगा, उससे लेंथ चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, आगे वेट चेंज होगा, मास या वेट चेंज होगा, और वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब चेन नीचे गिर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रही है, क्लियर है, बड़ी चेन बड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, छोटी चेन वेट कम नॉर्मल रिएक्शन कम छोटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, तो कैसे आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, क्या लगानी पड़ेगी, समझ में आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल इंटीग्रेशन, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन नॉट फॉर एनसीईआरटी लिखना है प्लीज इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे करना है इस तरीके की प्रॉब्लम, ये देखो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इस चेन के कुछ दूरी पे कहीं पर भी इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, मान लो वो एलिमेंट क्या है, डीएक्स, और कितनी दूरी पे, एक्स, एक्स दूरी पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और ये छोटा सा एलिमेंट की लेंथ अगर डीएक्स है तो इसका मास क्या होगा, अगर लेंथ चेन की एल है तो मास क्या है, एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर लेंथ डीएक्स है तो एम बाय एल इंटू डीएक्स है, तो ये क्या आ गया, स्मॉल मास इसका कितना आ गया, डीएम, छोटा सा मास निकाल लिया मैंने, इस छोटे से मास का वेट क्या होगा, एम बाय एल इंटू डीएक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, जी से, तो मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेट आएगा, कोई डाउट इसमें, वेट आ गया, और इस छोटे से पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यही इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है यहां तक। इस छोटे से पोर्शन की अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, तो म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये छोटा पोर्शन कितनी देर तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स, तब तक फ्रिक्शन क्या करेगी इसके ऊपर, वर्क डन, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स, छोटे पोर्शन ने घिसटता हुआ जाना है कितना, एक्स,
क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस म्यू टाइम, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, क्या स्टेप क्लियर है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया छोटे पोर्शन पे, पर अपने को तो हर एलिमेंट को लेना है, ये भी 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 और ये भी, ये भी, क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट ने तो, इस एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही जीरो है, इसके तो वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है, इस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, इसकी कम, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा, तो सारे वर्क डन को मिलाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, म्यू एम एल जी, क्या बचा, एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स, एक्स की लिमिट यहां से शुरू करते हैं, पहला एलिमेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और आखिरी एलिमेंट में एक्स की लिमिट क्या होगी, टू एल बाई थ्री, तो जीरो से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एल, एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टू एल बाय थ्री, तो एक बार एक्स की जगह टू एल बाय थ्री, एक बार जीरो, माइनस करो आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे वर्क डन निकलेंगे? तो आप ये ना सोचें कि मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दूंगा आपसे भी होगा, नहीं होगा, आप पहले इसे रिवाइज करें और सोचें कि पहले छोटा एलिमेंट को लेके जाना है, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का वर्क डन यहां पर डिफरेंट है, हर एलिमेंट का वर्क डन डिफरेंट है, तो एक एलिमेंट का वर्क डन तो मैं निकाल सकता हूं, सारे एलिमेंट्स का वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो ये स्टेप्स आपको एक बार देखने हैं, मेरे सॉल्यूशन में एक्स की जगह हर जगह स्मॉल एल यूज्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके सामने, यहां तक क्लियर है?